प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकी ब्रेन के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MI A3 स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इसके बारे में जो भी रूमर्स निकल के आए हैं, जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं, इसकी क्या लॉन्च डेट हो सकती है और क्या प्राइसिंग हो सकती है, मैं आज के इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ। अगर और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, कवर ना आप मिस हो जाइएगा। और ये मैं जो आपको जो भी स्पेक्स और रूमर्स बताऊंगा, ये कंफर्म नहीं है, बस ये रूमर्स और लीक निकल के आई, इसके आधार पे इसका स्पेसिफिकेशंस और जो भी है वो निकल के आया है। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MI A3 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मतलब एक ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें आपको वाटर नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और डिस्प्ले साइज 6.2 इंच तक का हो सकता है। और इसमें मतलब आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, और एक सॉरी दो फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको मतलब 5G टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है, ये फुली कंफर्म नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करते, बिकॉज 5G में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। स्नैपड्रैगन का 855 हो सकता है, और ये एंड्रॉयड 9 पाई पे बेस्ड आएगा, और ये एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन रहेगा। और इसमें आपको MIUI 10 देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल स्टेबल अपडेटेड रहेगा। और तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बारी है इसकी प्राइसिंग की। तो मेरे हिसाब से जो इसकी प्राइसिंग होगी वो 30,000 to 35,000 के बीच में हो सकती है, बिकॉज अगर उसके बाद होती है तो अगर उसके बाहर होती है तो यानी कि उसमें 5G आएगा, अगर उसके अंदर होती है तो आई थिंक 25 से 30 हज़ार इसके लिए बहुत है। अगर 35 से 40 हज़ार हुआ तो यानी कि उसमें 5G जरूर ही होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो कोई लेने का तुक नहीं बनता, यानी कि सवाल नहीं उठता लेने का। और जो दूसरा इसके जो दू और जो इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये फरवरी से मार्च 2 महीने में किसी भी दिन लॉन्च हो सकता है, फरवरी और मार्च में। तो देखते हैं एक्चुअली कब लॉन्च होता है। तो ये और जो ही इसके और कुछ स्पेसिफिकेशंस और रूमर्स कंफर्म निकल के आएगा, मैं आपको जरूर से जरूर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इतना ही बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो पसंद आता तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।